स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आज हम नॉमेनक्लेचर के आखिरी फेज के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको एक एक छोटी से छोटी बात नॉमेनक्लेचर की बता दी है, आपको सिर्फ घर पे प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाथ मजबूत होगा। ठीक है बेटे, नॉमेनक्लेचर आपके क्लास 12 के पेपर में 2 नंबर की आती है, क्लास 11 में भी 2 नंबर की नॉमेनक्लेचर आती थी फाइनल एग्जाम में, और क्लास 12 में भी आपके फाइनल एग्जाम में 2 नंबर की नॉमेनक्लेचर होगी। ठीक है, साथ में नॉमेनक्लेचर के बिना अगर किसी बच्चे को नॉमेनक्लेचरिंग नहीं आती तो उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाथ हमेशा कमजोर रहेगा। नॉमेनक्लेचर के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना कुछ ऐसा ही है जैसे कि एक अंधेरे रास्ते में बिना दिए के चलना। समझाई बात, एक अंधेरे रास्ते में आप बिना दिए के चले तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप गटर के अंदर गिर जाओगे, रास्ते में कहीं गड्ढे में गिर जाओगे। ऐसे ही नॉमेनक्लेचर आपको अगर नहीं आती तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन डगर है। ठीक है, तो इसलिए नॉमेनक्लेचरिंग को बड़े ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं एरोमेटिक नेमिंग के बारे में। तो हम बात करेंगे एरोमेटिक नेमिंग। बेटे एरोमेटिक कम्स फ्रॉम अ वर्ड नोन एज एरोमा, और जिसका मतलब था स्वीट स्मेलिंग। जितने भी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली एरोमेटिक माने जाते हैं। तो शुरुआत में जब एरोमेटिक की बात की गई तो बेसिकली उन कंपाउंड्स की बात की गई जो स्वीट इन स्मेल है, जो स्वीट इन स्मेल है, तो यहीं से एरोमेटिक कंपाउंड का जन्म हुआ। तो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जिन कंपाउंड्स के अंदर ये बेंजीन रिंग है, दिस इज बेंजीन, ये जिन कंपाउंड्स के अंदर ये बेंजीन रिंग है, दिस इज ये बेंजीन है या ये बेंजीन है, आपको पता है कि इसके जो अंदर वाले बॉन्ड्स मूव करते रहते हैं। तो जिन कंपाउंड्स के अंदर ये बेंजीन रिंग पाया जाता है उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो जिन कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन रिंग पाया जाता है उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटे, अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो मैं आपको एक बात यहां पे बहुत सटीक बताने वाला हूं कि इन एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम तो पता ही होना चाहिए, साथ में कॉमन नेम भी कुछ कंपाउंड्स का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नेम आजकल आईयूपीएसी में यूज होने लगा है। तो एरोमेटिक नेमिंग के अंदर आपको कॉमन नेम के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना ही चाहिए। ठीक है, तो आइए मैं आपको हर एक कंपाउंड के बारे में बताऊंगा, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताऊंगा, उसकी नेमिंग के बारे में बताऊंगा, साथ में मैं बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम के बारे में भी आपको ज्ञान दूंगा। तो आपको उन कॉमन नेम को याद करना है
और अपने दिमाग में फीड करना है, क्योंकि पेपर में कई बार कॉमन नेम का बहुत 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 बड़ा यूज है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड, आपको जैसा कि मैंने बताया कि वो कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग हो, दैट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब दिस इज योर बेंजीन रिंग, ये आपका बेंजीन है। अब इस बेंजीन के अंदर, ध्यान से सुनना, इस बेंजीन के अंदर एक रेफरेंस पॉइंट होता है। अगर आप इस बेंजीन को चारों तरफ से देखो तो इसके अंदर छह कार्बन है, ये कार्बन एक दो तीन चार पांच छह, छह कार्बन है, और इसके अंदर छह हाइड्रोजन है, ऐसे। ये हाइड्रोजन आपको दिखता नहीं है लेकिन ये हाइड्रोजन यहां पे होता जरूर है। ठीक है, छह कार्बन है और छह हाइड्रोजन है। ठीक है, और अगर आपको एक बात यहां पे बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में फीड करनी पड़ेगी कि बेंजीन रिंग के अंदर, ये जो बेंजीन रिंग होता है, इस बेंजीन रिंग में कोई भी एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होता है, कोई भी एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा कि सर कौन सा रेफरेंस पॉइंट है, तो बेटे जहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जहां पे मेन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सब्स्टिट्यूशन में भी, जब बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो जहां पे मेन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, मान लो इसे मैंने रेफरेंस पॉइंट माना। इस रेफरेंस पॉइंट से जो पहला कार्बन है उसको हम कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं? ऑर्थो। जो दूसरा कार्बन है, इसको हम कहते हैं मेटा, और जो तीसरा कार्बन है इसे हम कहते हैं पैरा। ऐसे ही अगर आप इस तरफ चलो तो ये आपका ऑर्थो, ये आपका मेटा और ये आपका पैरा। तो रेफरेंस पॉइंट से जो पहला होगा वो ऑर्थो होगा, दूसरा जो होगा वो मेटा होगा, और तीसरा जो होगा वो पैरा होगा। अगर मान लो आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, ध्यान से समझना, अगर आप रेफरेंस पॉइंट इसको लेते हो, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, पहला कार्बन। रेफरेंस पॉइंट से जो पहला कार्बन है वो है ऑर्थो, दूसरा है आपका मेटा, तीसरा है आपका पैरा। ऐसे ही इस तरफ अगर जाएंगे तो पहला है ऑर्थो, दूसरा है मेटा और तीसरा है पैरा। तो रेफरेंस पॉइंट से पहला ऑर्थो, दूसरा मेटा, तीसरा पैरा। इज इट क्लियर? ठीक है, नहीं चाहे आप इस तरफ जाओ, चाहे आप इस तरफ जाओ। इज इट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिक नेमिंग। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहां तक उतारिए, फिर हम आगे नेमिंग को देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग हमें कैसे करनी है। ठीक है, उतार लीजिए। तो बेटे अब ध्यान से समझना,
ये है आपका बेंजीन, आपको पता है इसे आप कहते हैं बेंजीन। अगर इस बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो, ठीक है, तो अब आप बताओ रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। नेचुरली रेफरेंस पॉइंट ये है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट है, आपको पता है, और जहां अब यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहां पे सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ही मौजूद है, तो जहां सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। अगर यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो आप फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस देते, जैसे कि आपकी एलिफेटिक नेमिंग थी। एरोमेटिक नेमिंग अपने आप में कोई बहुत खास नहीं है, इट्स ओनली जस्ट लाइक एलिफेटिक नेमिंग। एलिफेटिक नेमिंग में आप पहले फंक्शनल ग्रुप को कवर करते थे, फिर आप सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देते थे, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते थे फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देते थे, फिर आप नेचुरली, फिर अगर मान लो एक कार्बन चेन में बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऐसे केस में आप क्या यूज करते थे, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करते थे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तहत आप ये पता लगाते थे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देनी है। समझ आई बात? अगर मान लो एक कार्बन चेन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ऐसे केस में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते थे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तहत आप मेन सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढते थे कि किस तरह से हमें नंबरिंग करनी चाहिए। यहां पे भी वही बात है, अगर एक बेंजीन रिंग के अंदर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होते हैं, तो ऐसे केस में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रेस्पेक्ट में मेन सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढोगे, यानी रेफरेंस पॉइंट को ढूंढोगे। ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल बड़े आराम से बोला। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो फिर देखो, ठीक है, पक्का समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब ये बेंजीन है, मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है, 1% तकलीफ नहीं होगी आपको, पक्की बात है, मेरा वादा है। ये आपका बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर ये CH3 लगा हुआ है, और ये CH3 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और इस पूरे बेंजीन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, वो है ये CH3, तो नेचुरली रेफरेंस पॉइंट यही हुआ। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, मिथाइल, मिथाइल है, तो यानी 1 मिथाइल, 1 पे मिथाइल, और इसे हम कहते हैं बेंजीन। आपका ये जो है ये बेंजीन है, ठीक है, तो 1 मिथाइल बेंजीन इसका IUPAC नेमिंग है, IUPAC नेमिंग है, और इसको हम कहते हैं टोलीन। क्या कहते हैं? टोलीन। इज इट क्लियर? तो 1 मिथाइल बेंजीन को हम टोलीन कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये बेंजीन है, इसके ऊपर CH2CH3 है, अब नेचुरली रेफरेंस पॉइंट यही है। ठीक है, तो ये क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब इथाइल, तो 1 इथाइल बेंजीन, ठीक है, इसका नाम है 1 इथाइल बेंजीन। ठीक है, नहीं इसका कॉमन नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सबके कॉमन नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जिन जिन के कॉमन नेम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उनके कॉमन नेम आपको जरूर पता होने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मान लो आप उसी बात पे आ जाते हैं, अगर मान लो यहां पे CH3 है और यहां पे Cl है, तो अब देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो अब अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको 1 सब्स्टिट्यूएंट को मेन मानना पड़ेगा और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है।
अब आप बताओ ये क्लोरो है ये मिथाइल है, क्लोरो का सी पहले आता है या मिथाइल का एम पहले आता है? बताओ बताओ, ए बी सी, सी पहले आता है। तो इसका मतलब है मैं क्लोरो को मेन सब्स्टिट्यूएंट मानूंगा और मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा, इसे मैं रेफरेंस पॉइंट मानूंगा, ये हो जाएगा मेरा वन। ठीक है, अब मैं ये अगर वन है तो मैं इस तरफ भी जा सकता हूं और इस तरफ भी जा सकता हूं, लेकिन मेरा काम यह है कि जब मैंने रेफरेंस पॉइंट पता लगा लिया, ध्यान से सुनना, जब मैंने रेफरेंस पॉइंट पता लगा लिया उसके बाद मुझे उस तरफ चलना है जहां से जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो नजदीक आए। फिर सुन लो, मुझे उस तरफ चलना है रेफरेंस पॉइंट से जहां से जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो नजदीक आए, तो नेचुरली मैं इस तरफ चलूंगा। किस तरफ चलूंगा? इस तरफ, है ना। तो ऐसे केस में इसका नाम क्या होगा? टू और ये थ्री, तो इसका नाम होगा थ्री मिथाइल वन क्लोरो और बेंजीन। तो थ्री मिथाइल वन क्लोरो बेंजीन इसका नाम है, ठीक है नहीं? अच्छा, कुछ लोग आईयूपीएसी को ऐसे भी आजकल लिखते हैं, आजकल कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो मेरा टॉलीन हो गया, बेंजीन के ऊपर CH3 क्या हो गया? टॉलीन। तो ये जो कॉमन नेम है टॉलीन, इसको आजकल आईयूपीएसी में यूज करने लगे हैं, इसको भी आजकल आईयूपीएसी में यूज करने लगे हैं। तो कुछ लोग इसे कहते हैं, इसको मान लेते हैं टॉलीन, तो क्या होगा 1 2 3। अब अगर इसको टॉलीन मानेंगे तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 2 3, तो यानी वो कहते हैं इसको 3-क्लोरो-टॉलीन। समझ आई बात? बात एक ही है, कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, ये बात एक ही है, ठीक है नहीं? कुछ बुक्स में आप ये नेम देखोगे, कुछ बुक्स में आप ये नेम देखोगे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मान लो इस बेंजीन रिंग के अंदर यहां पे क्लोरो है और यहां पे ब्रोमो है, तो क्या करेंगे जी? तो नेचुरली ब्रोमो का बी पहले आता है या क्लोरो का सी पहले आता है? नेचुरली ब्रोमो का बी पहले आता है, तो आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा? 3-क्लोरो-1-ब्रोमो, और ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा दिख रहे हो ये है आपका बेंजीन। तो 3-क्लोरो-1-ब्रोमो बेंजीन, इज इट क्लियर? अगर मान लो ये बेंजीन रिंग है, ध्यान से देखना, ये मेरा बेंजीन रिंग है, दिस इज आवर बेंजीन रिंग। अगर इस बेंजीन रिंग के अंदर यहां पे एक CH3 होता और यहां पे एक CH3 होता, दो CH3, एक यहां पे एक यहां पे, तो नेचुरली इसको भी आप वन मान सकते थे, इसको भी आप वन मान सकते हो, क्योंकि दोनों CH3 है, दोनों ही मिथाइल है। तो ऐसे केस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप कहीं से भी नेमिंग करोगे नेम सेम आएगा। तो मैं इसको 1 और 2 लिख देता हूं, तो नाम क्या होगा? 1-2-डाइमिथाइल बेंजीन, और इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम ध्यान सुनने, इसका कॉमन नेम याद रखना ऑर्थोजाइलीन, इसका कॉमन नेम है जाइलीन, और ऑर्थोजाइलीन कहते हैं। ऑर्थो इसलिए क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है
तो इसका ऑर्थो पोजीशन ये है, और ऑर्थो पोजीशन में CH3 लगा हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑर्थो ज़ाइलीन। इज इट क्लियर? अगर मान लो यही बेंजीन रिंग होता और इस बेंजीन रिंग में ये CH3 होता और ये CH3 होता, तो यानी 1, 2, 3, तो यानी 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, और इसका नाम क्या होता? देखो ये है ऑर्थो, ये है मेटा, तो मेटा ज़ाइलीन। इज इट क्लियर? तो इसका नाम क्या होता? मेटा ज़ाइलीन। इज इट क्लियर टू यू? उतार लीजिए, फिर आगे बहुत सारी नेमिंग करनी है भैया, बहुत सारी नेमिंग, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, साथ साथ कॉपी में लिखते रहिएगा, कॉपी में लिखते रहिएगा। इज इट क्लियर? उतार लीजिए। अब देखो, अगर आपके पास ऐसा होता, अब इसका नाम तो आप लिख ही सकते हो यार, कोई तकलीफ थोड़ी ना है, ये CH3 और ये CH3 लिख लोगे इसका नाम, तो इसका नाम आपके लिए होमवर्क है, कॉमन नाम है ना, IUPAC दोनों लिखने हैं, ठीक है? अगर मान लो इस बेंजीन के ऊपर ये OH है, तो नेचुरली OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, और जब कार्बन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो वही कार्बन चेन का किंग होता है ना। यहां पे भी जब बेंजीन रिंग के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो वो बेंजीन रिंग के अंदर किंग होता है, राजा होता है, और जहां से जहां राजा बैठा हुआ है आपको नेमिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो नेचुरली आपने ये यहां पे इसको रेफरेंस पॉइंट माना है, ठीक है? ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेनॉल, ध्यान रखना, ये इसका कॉमन नेम है जो अब IUPAC में यूज होने लगा है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? फेनॉल। बेंजीन के ऊपर OH, उसे क्या कहते हैं? फेनॉल कहते हैं, ठीक है? अगर इसी बेंजीन के ऊपर ये OH है, ध्यान से समझना, ये OH है, ठीक है, और यहां पे आपका CH3 है, तो जी ऐसा है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? नेचुरली मेन फंक्शनल ग्रुप यहां लगा हुआ है, OH इज दी फंक्शनल ग्रुप, जबकि CH3 इज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ 1 और 2, तो इसका नाम क्या होगा? 2-methyl phenol, ठीक है? नहीं, 2-methyl phenol, और इसका कॉमन नेम जो है उसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसके कॉमन नेम को कहते हैं ऑर्थोक्रेसॉल, क्रेसॉल कॉमन नेम है, क्रेसॉल ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में CH3 लगा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऑर्थो क्रेसॉल। इज इट क्लियर? अगर मान लो यही बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में यहां पे OH है और यहां CH है, CH3, तो क्या होगा? 1, 2, 3, तो यानी 3-methyl phenol, ठीक है? और इसका कॉमन नेम क्या होगा? मेटाक्रेसॉल। क्या नाम होगा? मेटाक्रेसॉल। अगर मान लो आपका बेंजीन रिंग ये है और यहां OH है, यहां CH3 है, तो 1, 2, 3, 4, तो क्या नाम होगा? 4-methyl phenol। क्या नाम होगा? 4-methyl phenol, और इसका नाम है पैराक्रेसॉल। क्या नाम होगा? पैराक्रेसॉल। इज इट क्लियर? मान लो ये
OH होता और ये CH3 होता और ये Cl होता। अब इसका नाम क्या होता? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये OH है। तो आपको नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है, 1, 2, 3, है ना, 1, 2, 3। तो क्या नाम होता? 2 पे मिथाइल, 3 पे क्लोरो और फेनॉल। समझ आई बात? अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करके लिखना है, वो आपका काम है। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जितनी भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना आपका काम है। इज इट क्लियर? ऐसे ही अगर मान लो ये OH होता, ठीक है, ये आपका CH3 होता, ये आपका Cl होता, ये आपका Cl होता। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? कैसे करेंगे जी? ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। अब नेचुरली इस तरफ 2 क्लोरो है और इस तरफ ये मिथाइल है। ये मिथाइल बिल्कुल अलग धलग है, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक तरफ आ रहा है और ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इस तरफ आ रहा है। मोर एंड मोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कम्स इन दिस साइड, दिस वे, ठीक है। तो आपकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो नाम क्या होगा? 5 मिथाइल, है ना, 2, 3 डाइक्लोरो, क्लोरो एंड फेनॉल। अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है, पूरे नाम को अल्फाबेटिकली आपको लिखना है, ठीक है। वो मैं नहीं लिखूंगा, मेरा काम है सिर्फ टेक्निक बताना, वो मैं बता रहा हूं। और शुरू से मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं, बाकी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। छोटी मोटी गलतियां बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। ये मैंने अपना नया डायलॉग स्टार्ट किया है, क्या? छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। ए किरण, ठीक है। तो ये देखिए, और इसके बाद हम कुछ और नेमिंग्स करेंगे, बहुत बातें करनी है आज आपसे, उतारिए। बेटे अब हम कुछ और नेमिंग्स करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर इस बेंजीन के ऊपर ये 2 OH है, ठीक है, तो नेचुरली हम नेमिंग कहीं से भी कर सकते हैं। हम नेमिंग यहां से करते हैं, 1, 2। तो इसका नाम होगा बेंजीन, बेंजीन EN, ठीक है। बेंजीन का लास्ट वाला ई हटा देंगे, ये जो लास्ट वाला है ना, ये बेंजीन, ये लास्ट वाला ई हटा देंगे, ठीक है। 1, 2 डायऑल, बेंजीन 1, 2 डायऑल इसका नाम है। और इसका कॉमन नेम जो है वो है कैचेकॉल। क्या नाम है कॉमन नेम? कैचे कॉल, ठीक है। समझाई बात? कैचे कॉल। ऐसे ही इस बेंजीन के ऊपर अगर ये OH है और यहां पे एक OH है, यहां पे एक OH, यहां पे एक OH, तो यहां से नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3। तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन 1, 3 डायऑल। इसका नाम है, कॉमन नेम है रेसोरसिनॉल। क्या नाम है? रेसोरसिनॉल। अगर ये बेंजीन रिंग कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना, ये OH है और ये OH है, तो ये 1, 2, 3, 4, तो यानी इसका नाम होगा बेंजीन 1, 4 डायऑल।
इसका नाम है क्विनोल. क्या नाम है? क्विनोल. इज इट क्लियर? तो दिस इज योर क्विनोल. कोई डाउट? अगर मान लो इस बेंजीन के साथ ये OH होता और ये NO2 होता, अब बताओ किसको मेन मानते, किसको मेन मानते, रेफरेंस पॉइंट किसको मानते? नेचुरली आप बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया रंगा साहब, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया. मैं तो रंगा साहब से बहुत खुश हूं भाई, हमारा टॉपर बच्चा है ये रंगा साहब. और इनकी पोएट्री के बारे में आपको बताऊं, हमारे रंगा साहब जो हैं वो बहुत बढ़िया पोएट भी हैं और बहुत बढ़िया पोएट्री करते हैं ये. ठीक है, एक अगली क्लास में मैं इसकी एक बहुत बढ़िया पोएट्री आपको पढ़ के सुनाऊंगा. मेरे दिल को भाया मैं कुत्ता काट के खाया. ठीक है, तो मैं आपको अगली क्लास में एक बहुत बढ़िया पोएट्री सुनाऊंगा हमारे एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट की, दैट इज राहुल रंगा. ठीक है, ही इज द टॉपर ऑफ आवर क्लास 12th. मतलब इस साल पेपर देगा 12वीं का, लेकिन मुझे ये बात 100% पता है कि रंगा साहब इस साल 98 या 100 केमिस्ट्री में लेके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है. साथ में हमारे जो रंगा साहब है वो इस साल नीट का पेपर भी क्रॉस करेंगे और एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे, मेरा इलाज करेंगे. साथ में एक बहुत बेहतरीन पोएट भी बनेंगे. ये इस बात का भी मुझे बहुत गर्व है कि हमारा एक स्टूडेंट इतना बढ़िया पोएट्री करता है. ठीक है, समझाई बात? तो बेटे आप लोगों को भी चाहिए ऐसे टैलेंटेड बच्चों की तरह बनो और अपने टैलेंट को लोगों के सामने प्रस्तुत करो. ठीक है, तो लेट हमारे रंगा साहब ने बहुत अच्छी बात बोली और आप बिल्कुल सही है रंगा साहब कि NO2 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, NO2 एक सब्स्टिट्यूएंट है. नाइट्रो इज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसे फंक्शनल ग्रुप समझने की भूल मत करिएगा. तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो नेचुरली इसका नाम होगा 1,2. OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो 2 नाइट्रो, नाइट्रो फेनॉल, इसका नाम है 2 नाइट्रो फेनॉल. अगर मान लो ये NO2 ऐसे हुआ, ये NO2, ये NO2 और ये NO2, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका नाम क्या है? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल, और इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड. क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड. तो दिस इज योर पिक्रिक एसिड, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल. इज इट क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इस बेंजीन के ऊपर ये OCH3 होता, अब नेचुरली ये जो कंपाउंड है ये आपको ईथर दिख रहा है, दिस इज ईथर. मतलब मैं समझाता हूं, मतलब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये है ना, तो ये ईथर ग्रुप है. तो कुछ बुक्स में इसका नाम लिखा हुआ है इथाइल. ठीक है, इथाइल फेनाइल ईथर, कुछ बुक्स में इसका नाम इथाइल फेनाइल ईथर लिखा हुआ है. मतलब ये इथाइल है, सॉरी मिथाइल फेनाइल ईथर, ये मिथाइल है, ये फेनाइल है ईथर. ठीक है, वैसे इसका नाम है, ये आपका पूरा क्या है, मिथॉक्सी CH3O, मिथॉक्सी, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है आपको याद होगा, और ये मेन मेन चेन है,
ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन है, तो ये होगा CH3O को हम क्या कहते हैं, मिथॉक्सी, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी बेंजीन, और इसको IUPAC नेमिंग में मिथॉक्सी बेंजीन कहते हैं, और कॉमन नेम में इसको कहते हैं एनिसोल, क्या कहते हैं, एनिसोल, आजकल ये एनिसोल कॉमन नेम की जगह यूज तो होता ही होता है, कॉमन नेम के तौर पे यूज तो होता ही होता है, और IUPAC नेमिंग भी आजकल इसका एनिसोल ही है, तो इसके कॉमन नेम को IUPAC के अंदर मान्यता मिली और इसके कॉमन नेम को आजकल हम IUPAC में लिखने लग गए। तो दिस इज योर एनिसोल, जिसे हम कहते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, क्या कहते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन, इज इट क्लियर, उतार लीजिए। अब देखिए बेटे, अब अगर मान लो कि इस बेंजीन के ऊपर ये OCH2CH3 होता तो क्या होता, ऐसे केस में ये आपका इथाइल हो जाता, ये आपका फेनाइल हो जाता, है ना, तो ध्यान से समझना, इसका नाम होता इथाइल फेनाइल ईथर, या फिर इसको हम कह सकते हैं इथॉक्सी बेंजीन, क्या कह सकते हैं, इथॉक्सी बेंजीन, और इसका कॉमन नेम है फेनेटॉल, क्या नाम है, फेनेटॉल इसका कॉमन नेम है। अगर मान लो ये बेंजीन रिंग और ये आपका दूसरा बेंजीन रिंग बीच में ओ, अगर आपके पास कंपाउंड ये होता तो ऐसे केस में ये आपका होता फेनाइल, ये आपका होता फेनाइल, तो इसका नाम क्या होता, डाइफेनाइल ईथर, क्या नाम होता, डाइफेनाइल ईथर, ठीक है नहीं, तो इसको कुछ लोग फेनॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं, ध्यान रखना, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, फेनॉक्सी बेंजीन, तो वैसे इसको क्या कहते हैं, डाइफेनाइल ईथर, ठीक है। मान लो अगर आपके पास कंपाउंड ये होता तो आपको पता है इसके अंदर मेन चेन कौन सा होगा, मेन रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, नेचुरली मेन रेफरेंस पॉइंट ये OH ही होगा, क्यों, क्योंकि एल्कोक्सी इज अ सब्स्टिट्यूएंट, एल्कोक्सी जो होता है वो एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, ईथर जो होता है वो एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, वो कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो ये जो OH है ये आपका मेन रेफरेंस पॉइंट होता, तो आप नंबरिंग यहां से करते, इसका नाम होता 1,2,2 मिथॉक्सी फेनॉल, क्या नाम होता, 2 मिथॉक्सी फेनॉल, ठीक है। अगर मान लो आपके पास कंपाउंड ये होता अब देखो ये OH है, इसके दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट है, ये 1 है तो यहां पे इस तरफ 2 पे मिथॉक्सी है, यहां पे 2 पे नाइट्रो है, अब आप किस तरफ चलेंगे, किस तरफ मूव करेंगे भाई, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन में आ रहा है, इस तरफ जाएंगे तो भी 2, इस तरफ जाएंगे तो भी 2, अल्फाबेटिकल रूल, सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमेशा अल्फाबेटिकल रूल यूज करते हैं, इस तरफ है मिथॉक्सी, इस तरफ है नाइट्रो, एम
पहले आता है, मिथॉक्सी का एम पहले आता है अल्फाबेटिकली, या नाइट्रो का एन पहले आता है? बताइए कौन पहले आता है। नेचुरली एम पहले आता है, तो आप इस तरफ मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 नाइट्रो, 2 मिथॉक्सी फेनॉल, ठीक है। अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है, जितनी भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं अल्फाबेटिकली उनको आपको ही अरेंज करना है, ठीक है। नहीं, इज इट क्लियर? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? कोई डाउट? कोई डाउट? पक्का उतार लीजिए। बड़े, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में फीड कर लेना, ठीक है, बिल्कुल फीड करना इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में, बिल्कुल फीड करना है इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में, ठीक है। बड़े, नोट करके एक बात मैं आपको लिखवा रहा हूं, इस बात को अपने दिमाग में फीड करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको डब्बे में बना के दिखा रहा हूं, डब्बे में बना रहा हूं कि आपको ध्यान रहे। बेटे, इफ बेंजीन एक्ट एज अ साइड चेन, अगर बेंजीन मेन कार्बन चेन ना होके, मेन कार्बन चेन ना होके साइड चेन की तरह काम करे, बेंजीन किसकी तरह काम करे? साइड चेन की तरह काम करे। अब आप बोलोगे कि सर बेंजीन कब साइड चेन की तरह काम करेगा? आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है ना कि सर बेंजीन कब साइड चेन की तरह काम करेगा? बेटे, बेंजीन तभी साइड चेन की तरह काम करेगा जब मेन फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ ना जुड़ा हुआ हो, मेन फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ जो चेन है उसके साथ जुड़ा हुआ हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मेन फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ ना हो, वो बेंजीन के साथ पे, साथ में जो चेन है उसके साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसे केस में बेंजीन एक साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। तो याद रखना, व्हेन बेंजीन एक्ट एज अ साइड चेन, ऐसे केस में हम बेंजीन को फेनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनाइल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब बेंजीन साइड चेन की तरह बिहेव करे तो हम बेंजीन को कहते हैं फेनाइल, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके दिमाग में सवाल आ रहा है और ये सवाल वाजिब है कि सर बेंजीन कब साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, अगर ये बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ CH CH3 है और इस CH के साथ OH है, तो नेचुरली ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये इस चेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में ये जो बेंजीन है ये साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, और ऐसे केस में इसका जो नाम होगा वो फेनाइल होगा। क्या नाम होगा? फेनाइल। अगर मान लो ये बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटे, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, आपको पता है
ये COOH, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप एंडिंग फंक्शनल ग्रुप है. क्या है? ग्रुप एंडिंग फंक्शनल ग्रुप. और इसके कार्बन को मेन चेन के अंदर गिना जाता है. आपको पता है जो ग्रुप एंडिंग फंक्शनल ग्रुप होता है उसके कार्बन को मेन चेन के अंदर गिना जाता है. तो ऐसे केस में ये जो कार्बन है ये एक चेन की तरह बिहेव कर रहा है. दिस कार्बन एक्ट एज मेन चेन. ये कार्बन मेन चेन की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये ग्रुप एंडिंग फंक्शनल ग्रुप है और इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया जाता है. ये आपने एलिफेटिक नेमिंग में पढ़ा हुआ है. तो ऐसे केस में ये बेंजीन साइड चेन की तरह बिहेव कर रहा है और इसका नाम है फेनाइल. समझ आई बात? तो बेंजीन साइड चेन की तरह कम काम करेगा. कब काम करेगा? जब मेन फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ ना जुड़ा हुआ हो. मेन फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ ना जुड़ा हुआ हो, वो किसी दूसरे चेन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे केस में बेंजीन साइड चेन की तरह बिहेव करता है. ठीक है? या फिर, और ये था पहला पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट. दूसरा पार्ट है व्हेन देयर इज अ चेन व्हिच इज अटैच्ड विद बेंजीन हैविंग कार्बन चेन मोर देन फोर. ये भी ध्यान रखना, देन बेंजीन एक्ट एज साइड चेन. जब बेंजीन के साथ, ध्यान समझना बात को, ये बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ चार या चार से ज्यादा, फिर सुन लो, चार या चार से ज्यादा वाला कार्बन चेन जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे केस में बेंजीन साइड चेन की तरह बिहेव करता है. कहने का मतलब है ये बेंजीन है, इसके ऊपर ये CH2 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 CH3 जुड़ा हुआ है. एग्जांपल दे रहा हूं. तो भाई ये जो चेन है, ये जो चेन बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये चार से ज्यादा है, पांच कार्बन की चेन है, तो ऐसे केस में ये आपका मेन चेन होगा और बेंजीन, ये जो बेंजीन है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा और ऐसे केस में इसका नाम होगा फेनाइल. बेंजीन एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट और ऐसे केस में इसका नाम होगा फेनाइल. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब बेंजीन के साथ कोई चेन हो और वो चेन चार या चार कार्बन से ज्यादा हो, मोस्टली चार कार्बन से ज्यादा हो, चार कार्बन से ज्यादा लंबी चेन हो, ऐसे केस में जो बेंजीन है वो साइड चेन की तरह बिहेव करता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है. और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो वो साइड चेन की तरह बिहेव करता है और उसका नाम जो होता है वो फेनाइल हो जाता है. क्या हो जाता है? फेनाइल. इज इट क्लियर? तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया आपको. इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फीड करना है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फीड करना है. ठीक है, उतार लीजिए. अब बेटे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप अपने दिमाग में फीड करो, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात तो मैंने बता दी कि बेंजीन साइड चेन की तरह कब बिहेव करता है और बेंजीन का नाम
फेनाइल कब होता है, ये मैंने बात बता दी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, और ये कॉन्सेप्ट कॉमन नेम में यूज होता है। कहां यूज होता है? कॉमन नेम में यूज होता है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं ये कॉमन नेम के अंदर यूज होता है, ठीक है? बड़े ध्यान से समझना, नोट करके लिख देता हूं, नोट करके, नोट इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फीड कर लेना। इन कॉमन नेम, ये कॉन्सेप्ट कॉमन नेम में यूज होता है। अगर आपके पास बेंजीन के साथ एक कार्बन हो, एक कार्बन, ओनली एक कार्बन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बेंजीन के साथ एक कार्बन हो, ठीक है, और उस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हो, बेंजीन के साथ एक कार्बन हो, नॉट मोर देन वन कार्बन, नॉट मोर देन वन कार्बन, और उसके साथ दो हाइड्रोजन हो, दो हाइड्रोजन हो, उस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हो, और उसके साथ कोई और एलिमेंट हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, OH हो, NO2 हो, लेकिन कार्बन ना हो, उसके साथ बॉन्ड, ये एक बॉन्ड हो, ये बेंजीन के साथ एक कार्बन हो, दो हाइड्रोजन हो, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हो, और उसके साथ कोई और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो, लेकिन कार्बन जुड़ा हुआ ना हो, ध्यान रखना, कार्बन जुड़ा हुआ ना हो, ऐसे केस में हम कॉमन नेम में इस पूरे कंपाउंड को, ये जो पूरा कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं बेंजाइल। क्या कहते हैं? बेंजाइल, बेंजाइल, इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर बेंजीन के साथ एक कार्बन हो, एक हाइड्रोजन हो, एक कार्बन हो और एक हाइड्रोजन हो, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, और उसके साथ बॉन्ड या तो ऐसा हो, दो बॉन्ड हो, दो बॉन्ड हो, एक इस तरफ या एक इस तरफ, और दोनों के साथ कोई अलग अलग एलिमेंट जुड़े हुए हैं, या फिर एक ही तरफ दो बॉन्ड हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, कोई भी जुड़ा हुआ हो, चाहे वो यहां पे डबल बॉन्ड ओ हो, चाहे वो डबल बॉन्ड कुछ और हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कार्बन नहीं होना चाहिए, लेकिन कार्बन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे ये, या तो यहां पे ऐसे डबल बॉन्ड हो, या फिर यहां पे ऐसे भी डबल बॉन्ड हो। तो कहने का मतलब है बेंजीन के साथ एक कार्बन एक एच, और उसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड और इन द फॉर्म ऑफ टू सिंगल बॉन्ड्स, लेकिन कार्बन एक ही हो बेंजीन के साथ, इस कार्बन के साथ कोई दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ ना हो, कोई दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ ना हो, ऐसे केस में हम इसे कहते हैं बेंजल। क्या कहते हैं? बेंजल, इज इट क्लियर? अब मान लो यही बेंजीन है और इसके साथ एक कार्बन है और कोई एच नहीं है, एक कार्बन और कोई एच नहीं है, और उसके साथ तीन चीजें जुड़ी हुई है, तीन बॉन्ड है, उन तीन बॉन्ड के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मुझे तीन बॉन्ड की जरूरत है, ये तीन बॉन्ड की जरूरत है, इसके अंदर दो बॉन्ड की जरूरत है, मुझे बॉन्ड देखना है बस, बॉन्ड, इसके अंदर एक बॉन्ड की जरूरत है, मुझे सिर्फ बॉन्ड देखना है, कोई भी दूसरा कंपाउंड इसके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है,
बाशर्त ये कि कार्बन ना हो, समझ आई बात? क्योंकि अगर कार्बन होगा तो फिर बेंजीन के साथ एक कार्बन नहीं कहलाएगा, बेंजीन के साथ दो या तीन कार्बन कहलाएगा। मेरा मेरी कंडीशन क्या है, बेंजीन के साथ सिर्फ एक कार्बन और तीन बॉन्ड, तो ऐसे केस में हम इसे कहते हैं बेंजो, बुजो नहीं, बुजो नहीं, बुजो नहीं, बेंजो, ठीक है? नहीं, इट इज नॉट बुजो। हम हर्ष को नहीं बुला रहे, वरदान को नहीं बुला रहे, हम क्या कह रहे हैं, बेंजो, बेंजो, बें, समझ रहे हो ना? तो बेंजो, इट इज बेंजो, ठीक है? तो दिस इज द कॉमन नेम, और आप इसका यूज आईयूपीएसी नेमिंग में तो कर ही सकते हैं, साथ में कॉमन टाइम्स में भी कर सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो दिस इज द कॉमन नेम, ठीक है? इसका यूज आपको आईयूपीएसी में करना है, ठीक है? तो आगे करें, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। क्या बात है, थक गए? मतलब हंस रहे हो लेकिन भाई बहुत थक गए, और नहीं पढ़ा जा रहा सर, सर खपा गया, सर खप गया, सर दिमाग फट गया, और नहीं पढ़ा जा रहा ना। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? मैं तुम्हारी बातों को और दिल की बातों को समझ जाता हूं ना, है ना? दिल की बातों को मैं समझ जाता हूं, ठीक है? तो यहीं तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर।